हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा सैमसंग गैलेक्सी A14 5G फ़ोन है, तो सैमसंग गैलेक्सी A14 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में सिस्टम्स की ऑल सेटिंग्स हैं, तो सिस्टम ऑल सेटिंग्स को आप रीसेट कैसे कर सकते हैं सैमसंग गैलेक्सी A14 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर, और आप सिस्टम्स की ऑल सेटिंग्स को आप रीसेट कैसे कर पाएंगे सैमसंग गैलेक्सी A14 5G फ़ोन में, तो आज हम वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फ़ोन के आइकन्स हैं, शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन हो जाएंगे। सेटिंग्स पे जाना है और क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स से ओपन हो जाएगी। तो जो हमारे फ़ोन में ऑप्शंस आता है कि कैसे आप बिना डाटा सॉरी सिस्टम्स की ऑल सेटिंग्स को रीसेट कैसे कर सकते हैं, तो सिंपली आपकी सेटिंग्स शो हो रही है फ़ोन की, तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाता है आपके फ़ोन में होम स्क्रीन। सॉरी, आपके फ़ोन में ऑप्शन आएगा जनरल सेटिंग्स। तो जनरल सेटिंग्स पे जाकर आपको सिंपली रीसेट ऑप्शंस पे जाना होगा, और रीसेट ऑप्शंस पे जाकर जब आप सिस्टम्स की ऑल सेटिंग्स को रीसेट करना चाहते हैं तो ऑल सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे, और इसके जरिए आप ऑल सिस्टम सेटिंग्स को रीसेट कर सकते हैं। आप इस पे टैप करके सिक्योरिटी सेटिंग, लैंग्वेज सेकंड, अकाउंट, पर्सनल डाटा सेटिंग्स को रीसेट कर पाएंगे, और आपके सिस्टम्स की ऑल सेटिंग ऑप्शन के जरिए रीसेट हो जाएगी। तो इस तरीके से भी सिस्टम्स की ऑल सेटिंग्स को रीसेट कर सकते हैं सैमसंग गैलेक्सी फ़ोन में। एंड आप देख सकते हैं कि इसके जरिए भी आप नेटवर्क सेटिंग्स को रीसेट कर सकते हैं और यूज़ भी कर सकते हैं, एंड आप एक्सेसिबिलिटी सेटिंग्स को भी रीसेट कर पाएंगे यहाँ से। और जैसे आप ऑल सेटिंग्स को रिस्टोर करना चाहें तो इसके जरिए भी रीसेट कर सकते हैं, क्योंकि इससे आप जब फ़ोन रीसेट करते हैं तो आपका फ़ोन है पूरा रीसेट हो जाएगा, और जो भी आपकी सेटिंग्स है वो भी रीसेट हो जाएगी और रिस्टोर भी हो जाएगी। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें, वीडियोज़ को शेयर करें। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी तो